ग्राफिक्स देखो गाइस, क्या खतरनाक वाला ग्राफिक्स को ऐड करके रखा गया है यहाँ पे, काफी पुराने टाइप का लग रहा है। नीचे देखो गाइस, कितने सारे आदमी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये देखो हम लोग पैरेलली ओवरटेक करने जा रहे हैं फ्रीट ट्रेन को। तो वैग 7 भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस आज हम लोग WRV1 रीबूट रूट का ही मॉर्निंग वाला वर्जन खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाले वीडियो पे कि हम लोग WRV1 के मॉर्निंग वाले एक्शन को भी बहुत ही जल्द एंजॉय करने जा रहे हैं। लेकिन गाइस आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है ना, ये हमारा काफ़ी पुराना वाला नॉस्टैल्जिक जर्नी होने जा रहा है। मतलब आज हम लोग ICF राजधानी यानी 90s के ज़माने के स्वर्ण जयंती ICF राजधानी एक्सप्रेस को हॉल करने जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद से चंडलोडिया स्टेशन है जिसे कि अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं, और 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का सर्विस है जिसको कि आज हम लोग ड्राइव कर रहे हैं इसके ICF राजधानी वाले अवतार पे। वैसे हाँ, आज हम लोग को यहाँ पे सामने येलो सिग्नल दिखा रहे हैं, और हम लोग को बोला गया था कि हम लोग को थ्रॉटल 40% रखना है और धीरे धीरे एक्सलरेट करते हुए आगे जाना है, और अहमदाबाद तक हम लोग को इस ICF राजधानी एक्सप्रेस को हॉल करना है। और एक काम करते, मैं आपको लोगो के सामने में लेके चलता हूँ ताकि यहाँ से आपको एकदम रियलिस्टिक वाली फील आए। तो गाइस आज हम लोग काफ़ी दिन बाद डीजल लोकोमोटिव के साथ में जर्नी करने जा रहे हैं। वैसे ये कह रहे हैं यहाँ पे सिग्नल रेड क्यों दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे रोकना चाहिए क्या? चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन को, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हम लोग इस सिग्नल को स्किप कर सकते हैं। तो गाइस शायद से हम लोग यहाँ पे सिग्नल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई मैसेज भी आया नहीं था कि जहाँ पे सिग्नल पे हम लोग को रोकने का बोला जाता है। क्योंकि यार पता है गाइस आपको, रेल वक्स में ना सिग्नल्स का बहुत ही ज़्यादा झोल है। MSTs में वैसे सिग्नल्स का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, उसमें काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से लगता है। चलो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो फिलहाल एक मैसेज आया था हम लोगों को कि हम लोगों को 20 से 25 KMPH का रफ्तार को मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज वगैरह होने जा रहा है। और वैसे यहाँ से जो अहमदाबाद है ना, वो काफ़ी दूर है, यानी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है गाइस। लेकिन उससे पहले हम लोगों को साबरमती पे जाकर रोकना है ट्रेन को। तो चलो यार पहले साबरमती पे रुकवाते हैं और आप वहीं ट्रैक चेंज का नज़ारा एंजॉय करते रहो। वैसे यार आज हम लोग एल्को लोकोमोटिव का WDM 3D वाला वर्जन को ड्राइव कर रहे हैं। वैसे यार ये काफ़ी पुराना टाइप का लग रहा है, देखो यहाँ पे इसका जो दरवाजे का रंग है ना, ये उतर चुका है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और 11402 हमारे लोकोमोटिव का रोड नंबर है। बाकी यार जर्नी के साथ में बने रहो गाइस, मैं आपको पूरा का पूरा ICF राजधानी का इंटीरियर वगैरह सारा कुछ दिखा दूंगा, साथ साथ में हमारे लोकोमोटिव का इंटीरियर भी इंजॉय करवा दूंगा। तो फिलहाल यार ट्रैक चेंज होने देते हैं, एक बार मैं पीछे से देख के आता हूँ कि हमारा पूरा ट्रैक चेंज कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बस होने ही वाला है गाइस पूरा ट्रैक चेंज कंप्लीट। जैसे ही ट्रैक चेंज कंप्लीट होता है ना, हम लोग अपने स्पीड लिमिट यानी जो कि यहाँ पे 140 का बता रहा है, इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश, नहीं 140 तो नहीं यार, मतलब चलेंगे गाइस 80 तक तो चलते हैं पहले, उसके बाद में देखते हैं दूसरा कोई मैसेज पॉपअप होता है कि नहीं, उसके बाद में सोचना होगा कि क्या करना है आगे। तो चलो गाइस फाइनली हमारा ट्रैक चेंज का काम कंप्लीट हो चुका है। वैसे यार काफ़ी डार्क सा लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स यार आसपास में दिखाई दे रहे हैं, तो यार उनका जो शेडो है ना वो कुछ ऐसा लग रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है गाइस। मेरे को मन कर रहा है उस साइड में जाकर एक्सप्लोर करके आने की, चले क्या? चलो देर किस बात की, एक बार देख ही लेते हैं, आए हैं तो देख कर ही जाएंगे। वाह गाइस कॉलोनी देखो यार, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बना के रखा है, और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स यार कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वैसे यार आप बताओ इस साइड में जो नज़ारा है, क्या रियल वर्ल्ड पे भी ऐसा ही है? क्योंकि मैं तो इस साइड से हूँ नहीं, तो मेरे को पता नहीं इस बारे में। तो चलो गाइस अभी दोबारा से पकड़ लेते हैं ट्रेन को। ऊपर से ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है यार, फ्लाइंग ट्रैक्स टाइप का लग रहा है। इस पे नीचे में कोई कॉन्क्रीट भी नज़र नहीं आ रहा है यार, हवा में तैर रहा है क्या ट्रैक्स? पता नहीं यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। खैर जो भी हो, अभी हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। साथ साथ में आज के जो ट्रैक साउंड्स इस्तेमाल हुए हैं ना गाइस, ये भी काफ़ी मस्त वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग थ्रॉटल को इंक्रीज़ करते हैं, 40% पर रखते हैं थ्रॉटल को, और आप लोग चगिंग साउंड को भी ज़रा एंजॉय करो, आपको मज़ा आ जाएगा गाइस। वैसे गाइस चलो अभी ना हम लोग अंदर में चलते हैं हमारे लोकोमोटिव के अंदर में, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो अंदर में भी काफ़ी पुराना सा लग रहा है, और काफ़ी आउटडेटेड वाला वर्जन लग रहा है ये लोकोमोटिव को, क्योंकि जाहिर सी बात है आज हम लोग काफ़ी पुराना सर्विस ड्राइव कर रहे हैं यानी पुराने अवतार पे,
और जो माहौल है उसका भी पुराना होना आवश्यक है, तो इसीलिए शायद से इस लोकोमोटिव को इतना पुराना दिया गया है। आप लोग सामने विंडशील्ड देख सकते हो कि कितना ज़्यादा साफ साफ मतलब कितना ज़्यादा डर्टी लग रहा है और ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ वाइपर्स वगैरह सही से काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विंडोज़ है ना इसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी काफ़ी बिल्कुल फिक्स टाइप का है। और ये रहा हमारा दूसरा वाला हॉर्न, दूसरा वाला हॉर्न भी सही है, पहला वाला हॉर्न भी सही है और स्पीड यार सही जा रहे हैं हम लोग। 60 मतलब काफ़ी स्लोली स्लोली एक्सीलरेट करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बाहर के साइड में दोबारा से लेके चलता हूँ आपको। पीछे के साइड में थे अभी हम लोग और दोबारा से सामने के साइड में आ चुके हैं। और सामने क्या लिखा हुआ है मेरे को दिखाई दे रहा है, SBI VIG ML2, इसका क्या मतलब है वैसे पता नहीं यार। खैर जो भी हो, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप लोग देखो यार, नज़ारा देखो यार, नज़ारे का आनंद लो और सिमुलेशन एक्सपीरियंस को एनहांस करने का भी आनंद लो। तो यहाँ से ट्रैक चेंज वगैरह होगा क्या हमारा? नहीं गाइस, मेरे को तो लगता नहीं है कि ट्रैक चेंज कुछ होने वाला है। यहाँ पे हल्का सा हैंग मेरे को देखने को मिल रहा है। तो चलो गाइस, अभी मेन लाइन से होते हुए अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग देखो कि सामने से ना कुछ तो नज़र आ रहा है, मतलब कोई तो ट्रेन है सामने पे, देखना होगा कौन सा ट्रेन है ये। गाइस मैं ना थोड़ा सा स्पीड को रिड्यूस कर चुका हूँ और यहाँ पे देखो ये वैग 7 ट्विन्स के साथ में एक BTPN वाली फ्रेट ट्रेन मेरे को दिखाई दे रही है। वैसे गाइस हम लोग ना स्पीड को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है ना। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ गाइस, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा ट्रैक चेंज चल रहा है। यहाँ पे ट्रैक चेंज का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है, असली ऐसा लग रहा है गाइस। वैसे आप लोग बताओ कि आप लोग को MSTS ज़्यादा पसंद है या फिर रेलवर्क्स का जर्नी ज़्यादा पसंद है? मेरे को तो लगता है आपको रेलवर्क्स का ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे ही मैं MSTS वाले वीडियोस डालता हूँ ना, आप लोग के कमेंट्स तुरंत से आ जाते हैं, रेलवर्क्स खेलो, रेलवर्क्स खेलो। और जैसे ही रेलवर्क्स का वीडियो डालता हूँ, आप में से कुछ बंदे कहते हैं, अरे MSTS को तुम भूल चुके हो, क्या कर रहे हो MSTS का वीडियो लाओ। तो गाइस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को कौन से वाले वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए। खैर देखते हैं, वो मिक्स करके हम लोग डालेंगे। और यहाँ पे ये देखो यार, ये कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा यार। रूट तो काफ़ी अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ना पावर को इंक्रीज करके रखते हैं और इसको आगे बढ़ने देते हैं। और अगर यहाँ की बात करें ना, यहाँ पे देखो एक अंडरपास है जहाँ से ट्रैफिक वगैरह, बसेस का ट्रैफिक होकर गुजर रहे हैं और नीचे से बैठ बैठ के हम लोग ऊपर का नज़ारा का आनंद ले रहे हैं। साथ में ये जो नदी है ना गाइस, देखो यार कितना असली वाला फील आ रहा है इससे। ऐसा लग रहा है हम लोग नदी के पार में बैठकर यहाँ से ट्रेन का क्रॉसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। वाह यार वाह, इसका तो मज़ा ही अलग है। देखो यहाँ पे वाटर भी धीरे धीरे मूव हो रहा है इसके अपने डायरेक्शन पे। लेकिन ग्राफिक्स देखो गाइस, क्या खतरनाक वाला ग्राफिक्स को ऐड करके रखा गया है यहाँ पे। और तो चलो देख इस बात की, यहाँ पे कुछ हर्ट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बस्ती टाइप का इलाका लगता है। और अभी हम लोग ट्रेन को दोबारा से पकड़ लेते हैं, ये पीछे वाले सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। वैसे हाँ गाइस, आज मैं आपको बताना भूल गया कि आज का हमारा ड्यूटी ना सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि इसके बाद में ना एक और एक्शन भी है हमारे सिनेरियो पे। वो ये है कि जैसे ही हमारा ये वाला काम आज का समाप्त होगा, वैसे ही हम लोग अपने दूसरे ड्यूटी को भी पकड़ लेंगे आज। और वो ड्यूटी ये है कि हम लोगों को जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस को भी रेस्क्यू करने का ऑर्डर दिया गया है। अब वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग ऐसे चलते हैं और लेफ्ट साइड में अगर आप लोग देखेंगे, शायद से हम लोग अभी साबरमती को एंटर करने जा रहे हैं, इसीलिए नज़ारा और ज़्यादा रियलिस्टिक वाला लग रहा है गाइस। मैं आपको ना थोड़ा सा डोर व्यू से दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कैमरा एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दो। अच्छा ये अभी हम लोग सामने के साइड में आ चुके हैं डोर व्यू के, और आप लोग यहाँ से ना नज़ारे का आनंद लेते रहिए। और मैं स्पीड को ना थोड़ा सा घटा देता हूँ, क्योंकि ये हम लोग जहाँ पे एंटर कर चुके हैं ना, यहाँ पे नॉर्मली स्पीड लिमिट ज़्यादा होते नहीं है, आपको भी पता होगा इस बारे में। और ये क्या है, हमारे लेफ्ट साइड वाले ट्रैक्स में सिग्नल येलो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किसी ट्रेन के साथ में हमारा पैरेलल रन होने वाला है क्या? वैसे एक चीज़ आप लोग नोटिस किए गाइस, ये देखो यहाँ पे वुडन लॉग्स के साथ में ढेर सारे फ्रेट ट्रेन्स, और वहाँ दूर में दो एल्फो लोकोमोटिव्स मेरे को नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे शायद से ये BCNHL हो सकता है शायद से। ये क्या, ये कौन सा लोकोमोटिव है गाइस? गाइस इस लोकोमोटिव के बारे में आपको पता है क्या? अरे वाह गाइस, ये कौन सा लोकोमोटिव था यार, मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पीड को ना रिड्यूस करता हूँ, लगता है गाइस सामने में ना ग्रेडियंट है, जिससे जैसे स्पीड को ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है। मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ, तब तक मैं आपको ये लोकोमोटिव ढंग से दिखा देता हूँ गाइस। ये लोकोमोटिव देखो गाइस, ये कुछ अलग सा लग रहा है, मतलब काफ़ी पुराने टाइप का लग रहा है गाइस। ये सिनेरियो पता नहीं किसने बनाया है, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जिसने भी बनाया है ना,
काफी मस्त सिनेरियो बनाया, एकदम पुराना वाला जो फील है ना वो पूरा भरपूर आ रहा है इस पे, एकदम असली ऐसा लग रहा है। वैसे आप लोग बताओ ये लोकोमोटिव के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है, निम्बस लिखा हुआ है इस पे, तो बताना कमेंट्स में। D9020 शायद इसका हो सकता है नंबर, मतलब मॉडल नंबर वगैरह। चलो गाइज अभी हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं और साबरमती पे हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी गाइज, और साबरमती पे हम लोग को रोकना भी है ट्रेन को। और यहाँ पे देखो ढेर सारा बहुत, वो देखो गाइज दूर में एक पैरल रन भी चल रहा है गाइज, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया गाइज, दूर में एक पैरल रन चल रहा है एक फ्रेट ट्रेन के साथ में, हम लोग पैरल ही एंटर कर रहे हैं साबरमती को। वाह यार अभी से ही धमाकेदार एक्शन का शुरुआत हो चुका है और ढेर सारे पैसेंजर्स वगैरह तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो फाइनली हम लोग एंटर तो कर चुके हैं साबरमती को, पहले ढंग से ट्रेन को पार्क करवाते हैं उसके बाद मैं आपको एक्शन वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। तो वो देखो गाइस वहाँ दूर में पैरेलल रन कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे बीच में ना दो और एल्को लोकोमोटिव्स मेरे को नज़र आ रहे हैं। खैर यार यहाँ पे अभी थोड़ी दूर में जाकर हम लोग ट्रेन को रुकवा देंगे, उसके बाद में देखते हैं कितना देर तक हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर बाद की बात है हम लोग सोचेंगे क्या करना है आगे। तो चलो गाइस लगता है हमारा पूरा ट्रेन एंटर हो चुका है और अभी बस धीरे धीरे ब्रेक्स लगाने का वक्त आ चुका है, और लगता है गाइस वो जो फ्री ट्रेन है ना वो रुकने वाली नहीं है, हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल मिला है ना, तो वो गाइस रुकने वाली भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल रोक देते हैं ट्रेन को। चलो फाइनली हम लोग अभी अराइव कर चुके हैं साबरमती स्टेशन पे, साबरमती जंक्शन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस सबसे पहले आपका काम ये कि आप में से कौन कौन साबरमती से वीडियो को देख रहे हो मेरे को कमेंट्स में जल्दी से फटाफट से बता दो गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा देखकर। वैसे यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, मैसेज आ गया डिपार्ट एट 8:16, डिपार्चर थ्रॉटल 30%, तो 8:16 पे हम लोग को यहाँ से डिपार्ट करना है। अरे ये क्या हम लोग तो लेट है गाइस, 8:16 तो ऑलरेडी हो चुका है, पैसेंजर बोर्डिंग भी नहीं हो रहा है, पैसेंजर बोर्डिंग कर लेते हैं गाइस जल्दी जल्दी से। पैसेंजर बोर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ गाइस पैसेंजर बोर्डिंग चल रहा है, देखो दरवाज़ा हम लोगों ने खोल दिया लेकिन फिर भी कोई पैसेंजर बोर्ड करते हुए या उतरते हुए मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। खैर जो भी, चलो इसको थोड़ा सा वेट करवाते हैं, उसके बाद में इस स्टेशन में ना काफ़ी कुछ है गाइस दिखाने के लिए, मैं जल्दी से आपको टूर दे के आता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक WDM 3D और यहाँ पे एक और शायद से WDM 3D और यहाँ पे खाली गुड्स ट्रेन्स के वैगन्स पड़े हुए हैं और क्या है, और वहाँ दूर की बात करें वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, और पीछे का देख लेते हैं। यहाँ पर दो WDM 3D और नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर दो और WDM 3Ds के साथ में फ्रेट ट्रेन्स नज़र आ रहे हैं, फ्रेट ट्रेन्स के कबूज वाले वैगन्स को लाइन से लगा के रखा गया है, और यहाँ पे ट्विन वैग 7 है जो कि आइडल मोड पे है, मतलब ये रन नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारा पूरा ट्रेन एंटर हुआ तो था ना गाइस स्टेशन पे? हाँ 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 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे दरवाज़ा बंद हो गया क्या? दरवाज़ा बंद होते ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शायद से 1 मिनट डिले पे पहुँचाए हैं ट्रेन को। खैर जो भी हो गाइस, वीडियोस के स्टार्टिंग में आपको ये पैरेलल रन वाला एक्शन कैसा लगा कमेंट से बताना। तो चलो गाइस अभी शायद से हम लोग को डिपार्चर करने का वक्त हो चुका है, वैसे काफ़ी अंधेरा अंधेरे सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा शेडोज दिख रही है ना कि क्या बताऊँ। चलो गाइस दरवाज़ा बंद हो चुके हैं तो हम लोग अब यहाँ से डिपार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा अगला जो हॉल्ट है वो अहमदाबाद जंक्शन जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 5.5 किलोमीटर पकड़ लेते हैं, दिक्कत नहीं है। चलो गाइस अभी लंबा सा हॉर्न बजाते हैं, बजाकर हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। एक बार ब्रेक्स को भी रिलीज कर देते हैं, ब्रेक्स का साउंड भी सुन लो आप लोग तब तक। चलो अभी हॉर्न बजाकर यहां से डिपार्ट करते हैं। अरे पीछे जा रही है ट्रेन, एक सेकंड, सामने जाना था हम लोग, अगर पीछे में लगता है ग्रेडियंट है गाइस। ब्रेक्स को रिलीज करके मैंने गलत ही कर दिया और मेरे को थोड़ा सा पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा डिपार्चर तो शुरू हो चुका है और सामने में ऊंचाई है ना, तो इसीलिए पावर थोड़ा सा शायद से ज़्यादा हम लोग को लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल येलो सिग्नल मिला था हम लोग को और फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं साबरमती से अपने अगले गंतव्य स्थल जो कि है अहमदाबाद जंक्शन। गाइस अभी हम लोग ना थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का भी लिमिट 140 का दिखा रहा है, लेकिन 140 पे तो हम लोग जा नहीं सकते, 130 पे जाएंगे, लेकिन 130 पे जाकर क्या करेंगे गाइस बताओ, 5 किलोमीटर्स बाकी है हमारा अहमदाबाद जंक्शन आने में, तो यार क्या होगा बताओ 130 किलोमीटर पे जाकर। बाकी देखते हैं जैसे हम लोग को लॉन्ग जर्नी मिले ना हम लोग 130 पे मार देंगे। वैसे यार ये भी बात है 130 पे मारेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को इस ट्रेन को अहमदाबाद जंक्शन तक ही हॉल करना है,
वैसे यहाँ पे ना अभी हम लोग एक ग्रेडियंट चढ़ाई करने वाले, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो गाइस, ग्रेडियंट चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अगर इस साइड के नज़ारे की बात करें, ग्रीन सिग्नल हम लोग को मिला है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है गाइस। अगर बात करें इस साइड में ये कोई एक और नदी टाइप का मेरे को लग रहा है। वाह, नीचे देखो गाइस कितने सारे आदमी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अरे यार, सब लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। वाह यार, क्या रूट बनाया है गाइस, एकदम असली जैसा माहौल बना के रखा है, जैसे कि कहीं पे व्यू पॉइंट पे लोग एंजॉय करते हैं या फिर गंगा रिवर के पास में लोग वर्शिप करते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा वाला ही माहौल है। मैं आपको ना एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। देखो गाइस कितना मस्त नज़ारा है, कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। गाइस ये नज़ारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना, क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है ये नज़ारा। चलो अब ट्रेन को पकड़ लेते हैं और बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे। दोबारा से रेड सिग्नल क्यों दिखा रहा है यार? कन्फ्यूज़ मत करा करो यार, ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है रेलवे। मैं तो फिलहाल रेड सिग्नल को पार करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और अभी तक हम लोग को कोई मैसेज भी नहीं आया कि हम लोग को सिग्नल पे रोकना है ट्रेन को, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, फिर आगे जाके हम लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। तो साबरमती में बहुत, अरे यार आप बीच में क्या कर रहे हो? अच्छा, ये शायद से गैंग में है, लेकिन गैंग में तो ग्रुप में होते हैं ना, ये अकेला क्या कर रहा है? और लेफ्ट साइड का जो सिग्नल है ना गाइस, वो येलो दिखा रहा है, तो दोबारा से कोई पैरेलल रन देखने वाले हैं क्या हम लोग? बाकी यार रूट तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा गाइस ये वाला रूट ज़रा बताओ कमेंट्स पे। गाइस अभी भी रेड सिग्नल दिखा रहा है गाइस, मेरे को आइडिया नहीं है कि मेरे को रेड सिग्नल पे रोकना है कि नहीं रोकना है। शायद से नहीं रोकना है गाइस, और रोकेंगे भी नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई मैसेज आया नहीं। और साथ साथ में अभी ना आप लोग इन्जॉय करने वाले हो एक मस्त सा पैरेलल रन गाइस, तो हो जाइए तैयार एक धमाकेदार वाला पैरेलल रन इन्जॉय करने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला गाइस। हो जाओ तैयार गाइस, सामने में वो जो फ्री ट्रेन है ना, जो कि हम लोग को ओवरटेक करके निकली थी स्टेशन पे, उसी के साथ में हम लोग पैरेलल रन करने जा रहे हैं गाइस। ये देखो हम लोग पैरेलली ओवरटेक करने जा रहे हैं फ्रेट ट्रेन को, और बस गाइस स्टेशन आने में ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम लोग थ्रॉटल को जीरो पे कर देते हैं गाइस। पैरेलल रन देखो गाइस, क्या मस्त पैरेलल रन आपके सामने, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और कोई क्रॉसिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं गाइस, कोई क्रॉसिंग तो हो नहीं रही है। हम लोग थ्रॉटल को ना हल्का सा बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि ताकि रियल वाली फील आते रहे। पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग बीटी पेन वाले वैगन्स को। वैसे गाइस आपको याद था क्या कि इसका लोकोमोटिव कौन सा है? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सामने जाकर आपको दिखा देता हूँ कि इसका लोकोमोटिव कौन सा था। वैसे गाइस अहमदाबाद जंक्शन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गाइस, बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे अहमदाबाद जंक्शन पे। इस साइड के नज़ारे के बारे में बात किया जाए, इस साइड में कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए इसी साइड में आप लोग देख लो, इस फ्रेट ट्रेन का 2 वैग 7 लोकोमोटिव लगा हुआ था। तो वैग 7 भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस के लिए मस्त सा पैरेलल रन का आयोजन करने के लिए। खैर जो भी हो यार, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रही है ये वैग 7 ट्विंस इस भारी भरकम फ्रेट ट्रेन्स को खींचने के लिए। वाह यार, क्या लाजवाब हॉन्क मार रही है। अरे थैंक यू लोको पायलट साहब इतना मस्त हॉन्किंग करने के लिए। और गाइस लगता है अभी हम लोग अपने अगले हॉल्ट पे ना पैरेलली एंटर करने वाले हैं। चलो देखते, दिक्कत वाली बात नहीं कि पैरेलली एंट्री होती है कि नहीं हमारा। अभी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं पावर को, हम लोग को शायद से इस साइड में आना चाहिए। गाइस दोबारा से हॉन्क मार रही है वो फ्रेट ट्रेन, मैं आपको ऐसे इस साइड से दिखा देता हूँ, इतना सही है गाइस। अहमदाबाद जंक्शन मेरे को सामने में नजर आ रहा है गाइस, तो हम लोग अभी और स्पीड को इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। वैसे अभी भी रेड सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत, हम एक काम करते हैं ना, हम लोग गेम को सेव कर लेते हैं, क्योंकि ताकि अगर कोई दिक्कत वाली बात होए ना तो हम लोग जल्द से जल्द कंट्रोल कर ले। अभी हम लोग स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं गाइस, क्योंकि अहमदाबाद जंक्शन फाइनली सामने में आ चुका है गाइस। इतना स्पीड सही है गाइस, इतना स्पीड पे रखते हैं हमारे ट्रेन को। और ये हो रहा है ट्रैक चेंज। अच्छा अभी मेरे को समझ में आ रहा है, तो वो जो फ्रेट ट्रेन है ना, वो फ्रेट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, उसके ट्रैक्स पे अभी हम लोग कब्जा करने जा रहे हैं, बस यहाँ पे टक्कर ना हो जाए। मैं आपको ना पीछे से दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अरे फ्रेट ट्रेन जी आप रुक जाओ यहाँ पे, आगे मत बढ़ना। अरे रुको 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 रुको, सामने हम जा रहे यार, रुक जाओ। वाह यार बहुत अच्छा काम किया आपने,
डेड सिग्नल पे रोककर, और रोकने के बाद में इसने ना काफी मेलोडियस वाला हॉन्किंग मारा है, मेरे को अच्छा लगा काफी ज्यादा। क्या हॉर्न आ रहा है गाइस, क्या हॉन्किंग का मस्त एक्शन एंजॉय हो रहा है गाइस यहाँ पे, मेरे को असली ऐसा फील आ रहा है। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन पे, आप लोग जरा नज़ारा देखते रहे, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है गाइस आपको दिखाने के लिए, बहुत कुछ है, काफ़ी सारे ढेर सारे ट्रेन यहाँ पे है, मैं आपको दिखा दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ, ट्रेन को ढंग से एंटर तो करवा लें, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। थोड़ा सामने की साइड में चलते हैं हम लोग, ये कहाँ पे आ गए हम लोग, अच्छा ये सामने के साइड में आ चुके हैं। ढेर सारे पैसेंजर्स को डाला गया है स्टेशन पे, ये काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे डीएमजी भाई ने, क्योंकि यार हम लोग इंडियन रेलवेज का सिमुलेशन खेल रहे हैं, तो उसमें अगर पैसेंजर्स नहीं देखने को मिले ना तो फील नहीं आता गाइस। आपका क्या कहना है इस बारे में, जितने सारे पैसेंजर्स होंगे ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे उतने फील आएंगे, लेकिन आप लोग देख लो शायद से सामने में ना कोई तो ट्रेन एंटर कर रही है, एंटर कर रही है क्या, नहीं गाइस कोई ट्रेन एंटर नहीं कर रही है, बस रुकी हुई है। खैर जो भी हो गाइस, आज का यहाँ तक का सिनेरियो ना मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी इसके बाद में ना हम लोग अपना अगला ड्यूटी भी करने वाले हैं, क्योंकि इस राजधानी एक्सप्रेस को हम लोग को बस यहीं तक ड्राइव करना था, हमारा ड्यूटी बस यहीं तक असाइन था। चलो अभी सामने चलते, उसके बाद में देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा। चलो गाइस पूरा ट्रेन हमारा एंटर चुका है, अब देर किस बात की, अब रोक देते ट्रेन को, अभी ब्रेक साउंड्स वगैरह सुन लो आप लोग, काफी ट्रेन्स, ढेर सारे ट्रेन्स यहाँ पे है गाइस जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम लोग फिलहाल गार्ड वाले कोच में हैं, बस रुकने वाले हैं। चलो शुगर है, फाइनली हम लोग काफी आराम से ट्रेन को अराइव करवा दिए हैं स्टेशन पे, और वैसे हम लोग को यहाँ पे आना था 8:26 पे, अभी कितना टाइम हो रहा है, अरे वाह गाइस एकदम टाइम पे हम लोग अराइव कर चुके हैं। एक काम करते हैं दरवाजे को खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, पैसेंजर्स बाहर आ रहे हैं, पैसेंजर्स फाइनली बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, अनकपल ऑल कोचेस एंड डिपार्टेड 8:29 टू नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ओके द टास्क लिस्ट शोस एक्स मार्क्स ऑन इट, स्पीड इज 20 km/h। अच्छा तो अभी यहाँ से हम लोगों को सारे कोचेस को डिकपल करना है, और 8:29 पे हम लोग को यहाँ से डिपार्ट करना है अपने अगले हॉल्ट के लिए। वैसे अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है गाइस अपने अगले काम को करने के लिए, लेकिन स्टेशन अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस आ रहा है, और दरवाजे तो खुले हुए हैं गाइस अगर मैं आपको अंदर, अरे दरवाज़ा बंद किसने किया है यार, दरवाज़ा बंद कौन कर रहा है, दरवाज़ा खोलो जल्दी से, मेरे को अंदर में जाना है। हाँ तो अंदर का नज़ारा भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, सारा मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। गाइस एक काम करते हैं हम लोग ना, जल्दी से स्टेशन का एक क्विक टूर ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICF राजधानी के कुछ दो कोचेस को यहाँ पे रखा गया है, एक तो आपका जनरेटर कार वाला है, दूसरा आपका नॉर्मल वाले जो कोच है वो है, और यहाँ पे ढेर सारे पैसेंजर्स तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, और यहाँ पे एक WAF4 दिखाई दे रहा है लुधियाना सेट का। अरे कौन हॉन्क मार रहा है, क्या मेलोडियस हॉन्क मार रहा है यार, कौन हो भाई, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो, बट काफ़ी मेलोडियस हॉन्क मार रहे हो। और ये देखो यहाँ पे कुछ खाली बॉक्स है, NHL वाले फ्रेट ट्रेन है, और यहाँ पे एक लुधियाना का शायद से WAG7 है, और यहाँ पे मेरे को एल्को का साउंड कहाँ से आ रहा है, ये तो कुछ ICF वाले वैगन्स है जिसमें पीछे में पार्सल कुछ लगा हुआ है, और ये कौन सा, अच्छा यहाँ पे एल्को लोकोमोटिव है गाइस, एल्को लोकोमोटिव का ये वाला कलर ना काफ़ी मस्त लगता है, आपको कैसा लगता है, वैसे आप बताओ यार आपका कौन सा फेवरेट वाला कलर है एल्को लोकोमोटिव का, मेरे को तो ये कलर काफ़ी प्यारा सा और स्वीट सा कलर लगता है। अच्छा मेरे को कोई बताएगा कि जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस कौन सा है, क्योंकि आगे का ड्यूटी हमारा वही है कि जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस को ना रेस्क्यू करके लेके जाना है, शायद उसका लोको फेल्ड हो चुका है, वो सब तो बाद की बात है, वो सब मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल स्टेशन का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया, कितना रियलिस्टिक नज़ारा है वो भी आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। सारे क्रेडिट्स जाते हैं हमारे DMG भाई को, और यहाँ पे 3 पार्सल रेक को रखा गया, और यहाँ पे 2 और फ्री ट्रेन नज़र आ रहे हैं। वैसे अभी तक ना कुछ खास लैग तो हुआ नहीं है, ढेर सारे ट्रेन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई लैग मेरे को खास देखने को मिला नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एक और ICF वाले ट्रेन रुकी हुई है, अच्छा एक और भी है, ढेर सारे ICF ट्रेन यहाँ पे रोक के रखा गया गाइस, और क्या दिखाने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक इकलौता WAG7 है या फिर WAG5 है, कौन सा लोकोमोटिव है, WAG7 गाइस। ये वाला जो लिवरी है ना, ये भी काफ़ी प्यारा है गाइस, मस्त लगता है ये लिवरी।
खैर जो भी हो, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या है दिखाने के लिए, कुछ खास है क्या? अच्छा यहाँ पे एक WDM 3D भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्लीपर्स बिखरे पड़े हुए हैं। खैर जो भी हो गाइस, लगता है मैंने पूरा का पूरा ट्रेन का स्टेशन टूर दे दिया है। मैं सेव कर लेता हूँ एक बार गेम को। तो गाइस अभी आप लोग ज़रा कमेंट से बताओ आपको यहाँ तक का जर्नी कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक जरूर से ठोक के जाना। और हाँ गाइस, आपको ना यहाँ पे इसी तरीके के ढेर सारे ट्रेन जर्नीज के एक्शन देखने को मिल जाएंगे। वैसे गाइस हाँ, पार्ट टू में ज़रूर से आना, पार्ट टू में इससे भी ज़्यादा मज़े है गाइस, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ट्रेन को रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद में पता नहीं और क्या क्या करने वाले, वो तो पार्ट टू अगर आप लोग देखोगे तभी पता चलेगा। वैसे हाँ, पार्ट टू में मैं इस ट्रेन का इंटीरियर कैसे देखेंगे गाइस, क्योंकि पार्ट टू में तो हम लोग दूसरे ट्रेन को ड्राइव करेंगे ना। खैर जो भी, इंटीरियर देख लेंगे हम लोग, पहले इंटीरियर देखेंगे उसके बाद में लोगों को डिकपल करवाएंगे। ओके गाइस, तो ठीक है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अभी लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, और आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी और अगले जर्नी के साथ में। तब तक के लिए सायनारा और बाय।